मेवात की ताली में मील का पत्थर कहलाने वाले मेवात मॉडल स्कूल के गुरुजी एवं अन्य स्टाफ इन तीनों बेहद परेशान है। परेशान भी इस कदर की वेतन समय पर न मिलने सह कई मांगों को लेकर गुरुजी मंगलवार से एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हो गए। लघु सचिवालय नुह के ठीक सामने नुह पलवल मार्ग पर दर्जन भर महिला एवं पुरुष अध्यापक भूख हड़ताल पर बैठे। अध्यापकों ने दो टूक कहा है, अगर सरकार व मेवात विकास अधिकरण ने उनकी मांगों पर वेतन सहित अन्य मांगों पर तत्काल अमल नहीं किया तो आगामी 12 नवंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में होने वाली मेवात विकास बोर्ड की बैठक तक भी भूख हड़ताल के कार्यक्रम को बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर वेतन सहित कई अन्य मांगों को लंबे समय से कर रहे मेवात मॉडल स्कूल के अध्यापकों को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो आखिरकार उन्हें दरी बिछाकर भूख हड़ताल जैसा कठोर निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ा। जानकारी के मुताबिक महिला टीचर नवीन शक्ति, पूनम कौशिक, नितिका शर्मा, मीनू शर्मा, चंचल, रीठा रॉय के अलावा ईश्वर सिंह, वीपी मिश्रा, मोहम्मद इस्माइल, फखरुद्दीन, सुनील कुमार, अभिषेक गौतम फूलों की माला डालकर भूख हड़ताल पर बैठ गए और सभी अध्यापकों ने जमकर सरकार व एमडीए के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि नुह जिले के 7 तथा पलवल जिले के हतीन सहित कुल 8 मेवात मॉडल स्कूल हैं। इन सभी मेवात मॉडल स्कूलों को मेवात विकास अभिकरण यानी एमटीए द्वारा कई दशक से चलाया जा रहा है। मेवात मॉडल स्कूल में तकरीबन 8000 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनमें करीब 3500 लड़कियां हैं। इन स्कूलों का CBSE का परीक्षा परिणाम हर साल बेहद सराहनीय रहता है। इन स्कूलों में तकरीबन 450 अध्यापक व अन्य स्टाफ है। इन अध्यापकों को पिछले कई महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से न केवल ईद उल फितर का पर्व फीका रहा बल्कि वेतन नहीं मिलने के चलते दीपावली भी फीकी ही रहने के आसार जग गए हैं। पत्रकारों से अध्यापकों ने बातचीत में कहा है कि उनके मेवात मॉडल स्कूलों को मेवात विकास अभिकरण के बजाय शिक्षा विभाग में समय उचित कर दिया जाए। आप देख रहे हैं नुहू से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे 8 मेवात मॉडल स्कूल हैं और जिसमें 450 के आसपास हमारे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है। आज के जो भूख हड़ताल का हमने जो निर्णय लिया है वो इस उपरांत में लिया गया है। इससे पहले हमने एक विशाल धरना प्रदर्शन किया था लघु सचिवालय नुह पर, जिसके उपरांत हमारी मीटिंग एसोसिएशन की मीटिंग DC महोदय के साथ सुनिश्चित हुई, लेकिन वो वार्तालाप हुई, टेबल टॉक हुआ, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। उसके बाद हमने ये निर्णय लिया कि हम भूख हड़ताल पर जाएंगे और हमारी एसोसिएशन की मुख्य मांगें हैं कि मेवात मॉडल स्कूलों को शिक्षा विभाग में समायोजित करना, क्योंकि ये मुख्य महोदय जी का ये निर्णय था 27वीं MDB की मीटिंग का। और दूसरे 28वीं मीटिंग में मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि इन स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों और काम कर रहे कर्मचारियों को हरियाणा गवर्नमेंट की तर्ज पर समस्त सुविधाएं दी जाएंगी, और ना ही तो इन स्कूलों का समायोजन हुआ शिक्षा विभाग में और ना ही छात्रों को या कर्मचारियों को कोई भी सुविधाएं उपलब्ध हुई। दूसरा जो हमारा मुद्दा है वो कच्चे कर्मचारियों का पक्का कराना है। हमारे साथियों को जब MDA के चेयरमैन खुर्शीद राजा का रहा करते थे, लेटर अपॉइंटमेंट छप गए थे और देने बाकी थे, लेकिन फिर शासन प्रशासन ने साजिश कर उनको दबा दिया गया। तो हमारा मुद्दा है कि हमारे 24 से 26 साथी जो कच्चे कर्मचारी हैं कि उनको पक्का किया जाए। दूसरे 6-6, 7-7 महीने हमको तनख्वाही नहीं मिलती, अभी भी चौथा महीना चल रहा है, दिवाली का पर्व सामने है, हम भूख की कगार पर हैं और हमारे साथी बिल्कुल बेचैन हैं। और कैसे हम अपना पर्व मनाएंगे, कैसे दिवाली का त्यौहार हम मनाएंगे, तो हमने सभी साथियों ने ये डिसीजन लिया कि भाई हम भूख हड़ताल करेंगे और ज़रूरत महसूस हुई तो 12 तारीख को MDB की मीटिंग मुख्यमंत्री की है, इस हड़ताल को हम 12 नवंबर तक लेकर जाएंगे। स्कूल मेवात में 8 स्कूल हैं और कम से कम 450 एम्प्लॉयज़ यहाँ पर कार्यरत हैं और आज की भूख हड़ताल थक कर, क्योंकि 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, 6 महिला कर्मचारी और 6 ही पुरुष कर्मचारी हम हड़ताल पर बैठे हैं और ये हम मजबूरी में भूख हड़ताल पर बैठे हैं क्योंकि कोई भी तनख्वाह का अभी तक कहीं भी सरसराहट भी नहीं है।
दिवाली का टाइम है, त्यौहार का टाइम है, किस तरीके से क्या होगा पर समझ में नहीं आ रहा है। एक समस्या हड़ताल की ये भी है कि हमारे अधिकारीगण एक मीटिंग जब हम कुछ भी आक्रोश अपना जताते हैं तो एक हमारे साथ मीटिंग फिक्स करते हैं, हमारी मांगों को जायज भी बताते हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते कभी भी, और हम तो ठगा सा महसूस करते हैं। फिर दो तीन महीने बाद फिर हम फिर क्या करें, इसके मजबूरी में फिर हमें आक्रोश दिखाना पड़ता है, और कभी भी तनख्वाह आराम से कभी भी नहीं मिलती है। जब भी आक्रोश दिखाया जाता है, कोई भी प्रदर्शन किया जाता है, जब पिछली 6 महीने में 2 महीने की तनख्वाह देकर और फिर हमें शांत कर देते हैं। कोई भी नियम नहीं लागू है, कोई नियमितता नहीं लागू है, ये कब तक चलेगा पता नहीं है। और हम अपनी बात जो है सीएम साहब तक पहुंचाना चाहते हैं, और पता नहीं हमारी सीएम साहब तक हमारी बात पहुंची भी है या बीच में दबा दी जाती है, कुछ नहीं पता। हम आपके मीडिया के माध्यम से अपनी बात सीएम हाउस तक पहुंचाना चाहते हैं। मॉडल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन का जिला प्रधान हूं और मेवात में विभिन्न ब्लॉकों में 8 मेवात मॉडल स्कूल चलते हैं। लगभग इसमें 450 के करीब कर्मचारी और 8,000 बच्चे, जिनमें 3,500 लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। लेकिन हमारा रिजल्ट हमेशा अव्वल रहता है, लेकिन सैलरी के लिए मांगों को लेके हमें प्रदर्शन करना पड़ता है, तभी हमारी बात सुनी जाती है। कई बार की वार्ता हमारी डिप्टी कमिश्नर के साथ हो चुकी है, कमिश्नर साहब के साथ भी हमारी वार्ता हुई है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मैं मीडिया के माध्यम से अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के पास पहुँचाना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि मेवात का दर्पण कहा जाता है मेवात मॉडल स्कूलों को, लेकिन बेहतर परिणाम देने के बाद, बेहतर शिक्षा देने के बाद हमें रोड पर आकर प्रदर्शन करना पड़ता है, तभी हमें तनख्वाह मिलती है और 1 महीने की मिलती है। ना हमारा ईद का त्यौहार मनता है, ना हमारी दिवाली मनती है, इसलिए हम आप लोगों से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारी बात प्रशासन तक पहुंचाई जाए। पिछली बार जब हम डिप्टी कमिश्नर साहब से मिले थे तो उन्होंने हमें कहा कि कोरोना काल चल रहा है, तनख्वाह की दिक्कतें हैं। मैंने एक ही बात बोली, मगर सर कोरोना तो ठीक है, हम उसकी कोरोना से बचाव के सारे उपाय कर रहे हैं, लेकिन पेट बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे साथी 10-10,000 रुपये DC रेट पर लगे हुए हैं, उनके बच्चे ड्राइवरी की नौकरी कर रहे थे, उनके बच्चों को निकाल दिया गया। अब आप ये बताइए कि 10,000 रुपये में क्या कोई व्यक्ति अपना गुजारा कर सकता है? ईद पर इतना बड़ा फेस्टिवल होता है, ईद दिवाली इतना बड़ा फेस्टिवल होता है, 4 महीने हो गए, 4th महीना चल रहा है, तनख्वाह नहीं मिली। इसके प्रदर्शन करने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं था। डिप्टी कमिश्नर साहब को हमने नोटिस दिया, उसके बाद सोसाइटी जो मेवात मॉडल स्कूल सोसाइटी जो इन स्कूलों का संचालन करती है, वहाँ किसी प्रिंसिपल को डेप्यूट कर दिया कि वो इनकी मांगों का सुने और इन बातों इनकी मांगों का समाधान निकाले। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो हमारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जिसके पास हमारी मांगों का निवारण है, उसने हमें एक बार भी वार्तालाप के लिए नहीं बुलाया, और दुखी मन से परेशान होके हमारे एक साथी है कच्चे कर्मचारी, 2017 से इनके लेटर छप चुके थे, खुर्शीद राजा काजी ने इनके लेटर छपवाने की कोशिश की थी, लेकिन बीच में कोई कानूनी दाव पे छोड़ने की वजह से इनके लेटर नहीं मिल पाए। हम साथ साथ प्रशासन से ये भी गुहार लगाते हैं कि इनको अति शीघ्र रेगुलर किया जाए। मैं इस संगठन का जिला उप प्रधान हूँ और इस संबंध में हमारे DC साहब से कई बार वार्तालाप हो चुकी है, विशेष तौर पर दिनांक 20/10/2020 को जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में कोई नतीजे सामने नहीं आए। हमने कई बार प्रशासन से पूछा कि ये कब तक जो है आप सैलरी के लिए कर्मचारियों को भटकाते रहेंगे। इससे पूर्ववर्ती भी हमने हमारी मांगों को कई बार DC साहब के सामने रखा था। इसमें विशेष प्रायोरिटी जो कच्चे कर्मचारी हैं हमारे भाई, उन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए कई बार DC साहब ने हमें आश्वासन भी दिया, और उन्होंने ये कहा कि वन टाइम पॉलिसी लेकर के आओ, और उस वन टाइम पॉलिसी में बाकी जितने कच्चे कर्मचारी बचे हैं उनको पक्का करके, और बाकी की जो प्रक्रिया है भर्ती की वो हम स्वच्छ कर देंगे, साफ कर देंगे। लेकिन उस मांग पर अभी तक उन्होंने कोई विचार नहीं किया और ना ही हमें कोई इस तरह का आश्वासन दिया है, केवल मीटिंग में इस तरह की बात कर देते हैं। उसके बाद जैसे समायोजन की बात थी, तो पिछली 3 या 4 मीटिंग्स में DC जितने भी DC आए, उन्होंने सब ने ये कहा कि हम सरकार को आप लोगों का प्रपोजल बना करके भेज देंगे कि इन स्कूलों को समायोजित किया जाएगा या संस्कृति मॉडल स्कूलों के रूप में स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन अब तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया और ना ही कोई किसी तरह का जो है हमें आश्वासन दिया गया है। मीटिंगों में हमेशा यही कहते रहते हैं। उसके बाद जहाँ तक 28वीं मीटिंग के फैसलों की बात है,
28वीं मीटिंग में बाकायदा फैसले भी हो चुके हैं और बार बार डीसी या कमिश्नर जिससे भी हम मुलाकात करते हैं वो यही कहता है कि फैसले तो लागू कर देंगे, बस थोड़ा सा धीरज रखिए। अब ये धीरज कहाँ तक रखा जाए।